ये लड़का खाने की बॉक्स में एक मकड़ी को पाता है। उसे हाथ में लेते ही वो अचानक से जिंदा हो चुका था। तभी वो मकड़ी कूदकर लड़के के चेहरे पे हमला कर देता है। ये देखकर उसके डैड उसे छुड़ाने के लिए जा रहा था, मगर एक बिजली के झटके से ही वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो मकड़ी लड़के के शरीर पर घुस चुका था, जिसे लड़का दर्द के मारे चीखने लगता है। तभी उसके अंदर से बहुत सारे मकड़ी के पैर बाहर आ रहा था और उसके पूरे शरीर जलकर एक सूट में बदलने लगता है। अब वो देखते ही देखते एक रोबोट में बदल चुका था। ये देखकर सभी लोग बेहद घबरा जाता है। तभी उसके सूट अचानक ऑन हो चुका था। वो एक ही झटके में उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। साथ ही पावर कम होने की वजह से वो सीधा नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरने से ठीक पहले ही उसके सूट में से बड़े बड़े पंख निकल आए थे। फिर उसी पंख के जरिए वो बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगता है, लेकिन क्योंकि लड़का पहली बार सूट को पहना हुआ था, इसलिए उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, जिससे आखिर में वो एक गाड़ी में जाकर गिरता है। अब लड़का गाड़ी के मालिक से माफी मांग रहा था। इतने में उसके सामने एक बस चला आता है, जिसे सूट का डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो चुका था, जिसे देखते ही देखते वो बस किसी केक की तरह दो हिस्सों में कट जाता है और वो सभी से माफी मांगकर उड़ते हुए बाहर से निकल पड़ता है।